Hi all, welcome to our channel 777 Tarot with Rohit. Guys, आज हम फिर एक पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो रहेगा क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं. सो इसके लिए मैंने आपके सामने थ्री पाइल्स रखी हैं. पाइल नंबर 1 स्ट्रेंथ का कार्ड है, पाइल नंबर 2 द स्टार और पाइल नंबर 3 द एम्परर. ठीक है, सो मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ कार्ड्स को. ये रहा पाइल नंबर 1, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा. ये रहा पाइल नंबर 2 द स्टार और ये है पाइल नंबर 3 द एम्परर. सो गाइस, इनमें से कोई एक कार्ड या एक से अधिक कार्ड आप लोग चुन लीजिए जिसके लिए अट्रैक्शन फील हो रहा है ना. पहले तो डीप ब्रेथ लीजिए और उसके बाद से आंखें बंद कीजिए, 4-5 बार डीप ब्रेथ लीजिए, उसको छोड़िए और उसके बाद ना आंखें खुलते ही जिसके लिए अट्रैक्शन फील होता है ना वो आप लोग चुन सकते हैं कार्ड. और नहीं समझ में आ रहा तो तीनों ही कार्ड देख लीजिए, मैं टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है ना. सो गाइस, जिन्हें पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहीं आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी. और गाइस, दूसरे चैनल पे भी जाकर देखें, मैंने वहाँ पे रीडिंग अपलोड की है आज. सो आप लोग वहाँ पे भी जाकर के देखें उस रीडिंग को, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है. सो चलिए हम पाइल 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड. और गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट करे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना. सो चलिए मैं इनको साइड कर देती हूँ और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. स्ट्रेंथ का कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है उनकी रीडिंग, क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं या नहीं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग. प्लीज इनवर्स गाइड में फिर पाइल 1, प्लीज इनवर्स प्लीज गाइड में और पाइल 1. जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है क्या उनके पार्टनर उनको याद करते हैं. प्लीज इनवर्स गाइड में प्लीज. Wow, Eight of Wands. Okay, Eight of Wands. एकदम याद करते हैं आपके पार्टनर तो, बहुत याद करते हैं आपको, बहुत मिस करते हैं वो आप, ठीक है. पाइल नंबर 1, पहला ही कार्ड मुझे देख के लग क्या रहा है मुझे, एकदम दिख रहा है कि बहुत याद करते हो आपको. कभी कभी तो ऐसा होता होगा ना कि उनका मन बेचैन हो जाता होगा और बोलते होंगे नहीं यार अब मैसेज कर लेती हूँ, ठीक है. सो ये वाली फीलिंग मुझे आ रही है, ठीक है. और मैं सच बताऊँ ना तो जो है ना आपके पार्टनर ना मुझे लगता है 8 डेज में आपको मैसेज करेंगे. अगर नहीं नो कॉन्टैक्ट में है ना तो वो आपको मैसेज करेंगे, ठीक है. 8 डेज एकदम मुझे स्ट्रांग वाली फीलिंग आ रही है कि मतलब वो करेंगे मैसेज कॉल, आपसे बात करने की कोशिश, कोई ना कोई उनकी तरफ से एक्शन जरूर लेंगे वो, मुझे यहाँ दिख रहा है. सो चलिए मैं कार्ड्स को और निकाल लेती हूँ. सो चलिए हो गए कार्ड्स. सो मैं इनको रखती हूँ यहाँ साइड और देखती हूँ क्या फीलिंग्स हैं, क्या कार्ड्स आए हैं.
मैजिशियन, ओ माय गॉड, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर वो भगवान से दुआएं मांग रहे होंगे? याद तो बहुत करते हैं वो। देखिए मैंने कहा ना, याद बहुत करते हैं। मैंने कार्ड्स नहीं देखे थे फिर भी मैंने बता दिए, याद बहुत ज्यादा करते हैं वो, ठीक है ना? इतना याद करते हैं ना, इतना मिस करते हैं आपको कि उन्हें रात को नींद नहीं आती होगी, कभी कभी काफी बेचैनी महसूस होती होगी उसी वक्त। तो उनका माइंड मतलब दिल दिमाग ऐसा बोलता होगा ना, मैसेज कर लो, बात कर लो, लेकिन वो ना नहीं करते होंगे। या कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि इस सब चीजों से परेशान हो गए, आपको आपसे बात करते होंगे, अपने दिल को ना, वो मन दिल सबको वो ना शांत करते होंगे। और जो है ना आपके पार्टनर ना, याद तो करते हैं। और द डेविल का कार्ड मुझे बताता है कि थोड़ी सी नेगेटिविटी है आप लोगों के रिलेशनशिप में, जिस वजह से आप लोग नो कांटेक्ट में होंगे, सेपरेशन में होंगे। और जिन जो लोग बात कर रहे हैं ना, तो सही तरीके से बात नहीं होती होगी किसी कारण, कोई कारण हो सकता है, थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो, थर्ड पार्टी। मैं ये नहीं बोल रही कि कोई फीमेल है या कोई मेल है, सो ये आप लोग याद रखें, मैं ऐसे नहीं बोलती, ठीक है ना? और मेरा कोई मोटिव नहीं होता कि आप लोग के दिल को चोट पहुंचाऊं, मैं आप लोग को डिमोटिवेट करूं, ठीक है ना? जो मुझे एनर्जी दिखती है, मुझे फील होता है, वही मैं बताती हूँ आपको, अपने मन से मैं कुछ नहीं बोलती। यहाँ पे मुझे निगेटिविटी दिख रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे आपके पर्सन ना थोड़े से नाराज रहते होंगे आपसे, मन मुटाव टाइप चलता होगा। मतलब सही ढंग से बात होती हो ना, तो वो बात नहीं होती होगी, बात होकर के भी बात नहीं होती होगी, इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। लेकिन अकेले में हो या फिर जब आपसे बातें नहीं होती है ना, बहुत मिस करते हैं वो आपको, एकदम बेचैन हो जाते हैं। बेचैनी को कैसे कंट्रोल में करना है उन्हें नहीं समझ में आता उस समय, बस उन्हें आप चाहिए तो बस आप चाहिए, ठीक है? और आप पे ना वो लगातार नजर भी रखते हैं, सोशल मीडिया पे हो या फिर आपके जान पहचान, आपके फ्रेंड्स, मतलब किसी के थ्रू ना वो आपके बारे में जानने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं, ठीक है? और आप या फिर आपके पार्टनर जो है ना, वो ना दुआएं मांगते हैं एक होने के लिए, एक साथ रहने के लिए। मतलब आपका साथ होने चाहिए और आपको भी उनका साथ चाहिए। सो मुझे यहाँ मैनिफेस्ट करते हुए आप दिख रहे हैं और आपके पार्टनर अभी दुआएं मांगते हैं एक साथ होने के लिए, सब चीज़ सही, आप दोनों के बीच में सब सही हो जाए। सो ये फीलिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपके और आपके पार्टनर की, ये दोनों में से किसी एक की फीलिंग हो सकती है या दोनों की फीलिंग हो सकती है, ठीक है? सो आपके पार्टनर ना आपके लिए, आपको मतलब मिस बहुत करते हैं। आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, आपकी खूबसूरती हो, मतलब आपके आपके अंदर की हर एक वो चीज़ ना इन्हें बहुत पसंद आती है। द मैजिशियन का कार्ड मुझे वही बताता है कि उसके लिए अट्रैक्शन फील होता है इन्हें। और आप हो सकता है खूबसूरत हो काफ़ी, उनको ना ये ना खूबसूरती आपकी तरफ खींच लेती है। मतलब एकदम सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है उनको आपके लिए। और जो है ना आपके पार्टनर ना इससे और बेचैन हो जाते हैं। मतलब आपकी हर टाइप की याद जो है ना उन्हें परेशान कर देती है, रातों की नींद उड़ा देती है, ठीक है? मुझे ये दिख रहा है, मिस तो बहुत बहुत ज्यादा करते हैं वो आपको। और आप बातें नहीं हो रही हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो हैप्पी हो जाइए क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। मैंने पहले ही बताया था कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, आपको मैसेज का, कॉल का इंतजार है, आपको ब्लॉक कर रखा है उन्होंने, तो अब वो अनब्लॉक करेंगे आपके आपके पास मैसेज करेंगे, ठीक है?
तो आप लोग टेंशन ना लो, यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, पहला ही कार्ड पॉप आउट होकर के निकला है। सो ये ना कार्ड से पहले ही ये खुशखबरी हैप्पी रहने के लिए बोल रहा है कि खुश रहो, ठीक है ना। मैं आपके लिए एंजल्स मैसेज भी देख लूँ क्या? चलिए मैं देख लेती हूँ एंजल्स मैसेज क्या है आपके लिए, क्या एंजल्स बताना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं आपको। पहले मैंने ये सोचा नहीं था, लेकिन चलिए मैं देख लेती हूँ। उसके बाद कुछ मैसेजेस देख लेंगे आपके पार्टनर के, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं। अभी के लिए मुझे लगता है आपको एंजल मैसेज की ज़रूरत है, इसलिए मैं एंजल मैसेजेस भी निकाल लेती हूँ। पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं एंजल्स मैसेज भी निकालूंगी, तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स इस एंजल्स गाइड में, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लीज। प्लीज एंजल्स, प्लीज पाइल 1 के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। चलिए फैदर, देखिए फैदर का कार्ड आया ना, देखिए एंजल मैसेज है ना। एंजल्स कहना चाहती हैं, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल यू दे आर नियर यू, ठीक है ना। देखिए आपकी पर्सन आपके नज़दीक है, ये घटाएं जो भी है ना, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, या जो भी निगेटिविटी है ना, वो ख़त्म होने वाली है, और पॉजिटिविटी आपके नज़दीक है। सो थोड़ा सा और वेट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, मैं ये आपको हमेशा बोलती हूँ। सो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, ठीक है ना, यही यूनिवर्स आपको कहना चाहती है। और प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहिए, निगेटिव क्यों रहना, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं निगेटिविटी से। पॉजिटिव रहिए ना, पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव हमारा रिजल्ट आएगा, हम नेगेटिव सोचेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ नेगेटिविटी हमारे पास। पॉजिटिव रहिए हमेशा, खुश भी खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, ठीक है ना। और जिन्हें मेरी ये एडवाइस अच्छी नहीं लगी हो प्लीज सॉरी उनके लिए। कुछ लोग बोलते हैं आप एडवाइस मत दिया करो, सो सॉरी जिन्हें मेरी एडवाइस अच्छी ना लगी हो। मैं तो हमेशा बोलती हूँ और अच्छा ही बोलती हूँ, खैर कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, तो उनके उसके लिए सॉरी, जिनको मानना है वो माने, नहीं मानना है एज यू विश। चलिए हम बस इतने ही मैसेजेस देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, आपको मिस कर रहे हैं, कितना मिस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप, चलिए देखते हैं। पहला मैसेज है, परवाह नहीं तू चाहे मुझे दीवानों की तरह, परवाह नहीं तू चाहे मुझे दीवानों की तरह, एक मुस्कान ही काफ़ी है तेरी मेरे जीने के लिए। देख रहे हैं आप लोग चलिए अब हम अगला, आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी बोल रहे हैं वो, मैं चाहता हूँ तुझको दिल जान की तरह, तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह। देखिए ये सॉन्ग है ना, गुनगुनाते होंगे, दो दिल मिल रहे हैं मगर चिपके चिपके। यू आर माई हैप्पी प्लेस, ओके आप बहुत ही खुश रखते हैं ना उनको। आई विश यू वेयर माइन, विश मांग रहे हैं, मैंने बोला ना कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, आप ही आपके पार्टनर। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, ये सॉन्ग है ना, ये डेडिकेट कर रहे हैं। दूर तक यू प्लस मी टुगेदर, वो साथ चाहते हैं आपका। उसके बाद है, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, ये जो है ना सॉन्ग, हग्स एंड किसेस, ओ माय गॉड, गले लगाना चाहते हैं और किसेस करना चाहते हैं आपको। पल पल दिल के पास तुम रहते हो जीवन में,
I1 की रीडिंग, उनके मैसेजेस और इनवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती थी, ये भी हम लोगों ने देख लिया, एंजल्स मैसेज भी देख लिया, ठीक है ना। जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने 10 स्टार का कार्ड चूज किया है, देखते हैं उनके पार्टनर उनको मिस करते हैं या नहीं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग गाइस। ये एक जनरल रीडिंग है तो आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जिनके साथ रेजोनेट करती है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करना ना भूलें, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। हमने पाइल नंबर 2 चूज किया है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी प्लीज। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, उसके बाद हम देख लेते हैं। ओके देखते हैं। जस्टिस, ओके जस्टिस का कार्ड आया है। ओके पहले मैं इनको देख लेती हूँ, उसके बाद मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। शायद आप लोग को इंतज़ार था बहुत दिन से अपने पार्टनर का, ठीक है, कांटेक्ट करने का। ओके ओके देखिए कैसे कार्ड्स आए हैं। आप लोगों का मुझे लगता है ना, आपके पार्टनर आपको मिस तो बहुत करते हैं क्योंकि उनका दिल टूटा हुआ है। आप लोगों में नो कांटेक्ट है ना, सेपरेशन में चल रहे हैं आप लोग, मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। सेपरेशन मुझे यहाँ दिख रहा है आप लोगों में। पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते भी बहुत हैं। जब भी अकेले होते होंगे ना, एकांत सोने जाते होंगे ना, सिर्फ आपको मिस करते, वो आपकी बातें, आपके साथ जो भी बीते हुए पल है ना, वो उन्हें बहुत याद आती हैं। किसी कारणवश ना आप लोगों का दिल ये टूटा हुआ है, किसी कारण से, थर्ड पार्टी, यहाँ जो है ना 3, ये मुझे दिखाती है थर्ड पार्टी भी। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है गाइस, मैं ये नहीं बोल रही कि मेल फीमेल ही है, उनका जॉब, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, क्या ये थर्ड पार्टी है, कोई शक है, डालना नहीं चाहती, बस मैं कार्ड्स की एनर्जी पढ़ के बता रही हूँ। ये आप लोग ध्यान रखें, मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं रहता कि मैं आप लोगों का दिल तोड़ूं, आप लोग को डिमोटिवेट करूं, निगेटिव थिंकिंग दूं आपको, ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं रहता, प्लीज़। आप लोग इस बात का ध्यान रखें। गाइस मुझे यहाँ दिख रहा है आपके पार्टनर ना आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत बैडली मिस करते हैं वो आपको। जिस भी कारण से आप लोगों में ये सेपरेशन आया है ना, उनका दिल एकदम टूट गया है, ठीक है। वो भगवान से ना प्रार्थनाएं भी करते होंगे आपसे मिलने की, आप दोनों का रिलेशनशिप सही हो जाए, ये प्रार्थनाएं ना आपके पार्टनर मुझे करते हुए यहाँ दिख रहे हैं। काफी डीप थिंकिंग है, मतलब अकेले में जब भी वो होते होंगे ना भगवान से, मंदिर मस्जिद हर जगह वो जाते होंगे, प्रार्थनाएं करते होंगे, भगवान मिला दो, हम दोनों को एक कर दो, जो भी प्रॉब्लम्स है ना उनको हटाओ। ये टाइप जो है ना एनर्जी मुझे यहाँ कार्ड्स की दिख रही है।
आपके पार्टनर थोड़े जो है ना आपको वो ईगो वाले हो सकते हैं, ठीक है ना, या आप थोड़े ईगो वाले हो सकते हैं। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। लेकिन इसके साथ ही ना आपके पार्टनर ने जो भी अपनी लाइफ में पाया होगा ना, बहुत मेहनत से पाया होगा, मुझे ये दिख रहा है। और जो है ना आप लोगों में, मैं बताऊँ ना, बहुत बैडली मिस तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी है ना कि थोड़े ईगो वाले पर्सन हैं, ठीक है, और वो ना अब ना आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं। देखिए, डेथ का कार्ड जो आया है ना, ये जो है ना किसी चीज़ की एंडिंग वो बताता है और फिर एक नई शुरुआत बताता है। यानी कि जो भी चीज़ें आप लोगों में पास्ट में हुई है ना, आप लोगों के पास्ट में जो भी सिचुएशन थी, जिस कारण से भी आप लोग का सेपरेशन आया, नो कॉन्टैक्ट आया, सो वो है ना वो अब ख़त्म होने वाली हैं और आप लोग के साथ एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आप बहुत विश मांगते हो होंगे, बहुत प्रार्थनाएं करते होंगे ना। नाइन ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि बहुत आप लोग प्रार्थनाएं की, आप लोगों ने बहुत प्रार्थनाएं की होंगी, और आपके पार्टनर भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। आपके साथ उन्हें, आपका साथ उन्हें चाहिए, आपसे उनका कनेक्शन है। सो वो है ना ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ में आए। और ये जो है ना आपके पार्टनर शुरुआत करेंगे, वो सोचेंगे मतलब अभी जो वो बैठा है ना कि मैं क्यों करूं, वो इस टाइप की एनर्जी में बैठे हुए हैं कि नहीं अभी मैं नहीं करूंगा, अभी मैं नहीं करूंगा। सो ये जो है ना उनकी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है ना कि उन्होंने बहुत कर दिया है, आपने कुछ नहीं किया है। सो वो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं ना कि आपकी तरफ से जो है ना पहले शुरुआत हो। सो ये मुझे यहाँ पे उनकी फीलिंग दिख रही है, ठीक है। सो आखिरकार जो है ना आपके पार्टनर आपके साथ जो है न्यू बिगनिंग, एक नई तरीके से हर चीज़ को वो सही करना चाहेंगे, मतलब पूरी तरह से स्टार्ट करना चाहेंगे। ये सब चीज़ भुला करके, पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सबको ख़त्म करके ना वो अपने साथ एक जो है ना आपके साथ जो है ना वो न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, ठीक है। सो ये मुझे यहाँ एनर्जी दिखाई दे रही है। मैंने जो आज का जो हमारा टॉपिक है ना कि क्या वो आपको मिस करते हैं कि नहीं, तो बहुत मिस करते हैं वो आपको, ठीक है। और चलिए हम एंजल्स गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए, क्या एंजल्स मैसेज देना चाहती हैं आपको, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। सो चलिए मैं इन कार्ड से देख लेती हूँ। मिस तो दोनों ही कर रहे हैं, मुझे तो यहाँ ये भी दिख रहा है आपको जस्टिस का इंतज़ार था, आपके साथ जस्टिस हो, आप प्रार्थनाएं कर रहे थे, भगवान मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। सो अब ना आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है ना। जस्टिस का कार्ड मैंने उस समय बोला था ना कि मैं एक्सप्लेन करूँगी इसको। सो देखिए जस्टिस यही है आपके, आपको इंतज़ार था ना अपने पार्टनर का आने का, आपको लगता था कि वो मुझे धोखा दे गया या फिर उससे तो मेरी याद ही नहीं आती। सो ऐसा नहीं है, वो आपको याद करते हैं, वो भी आपके लिए उतना ही फील करते हैं जितना कि आप, जितना आप उन्हें मिस करते हैं, करती हैं, उतना ही वो भी आपको मिस करते हैं, ठीक है ना। सो वो आपको जो है ना अब वो जस्टिस मिलने वाली है। सो चलिए देखते हैं क्या एंजल्स मैसेज देना चाहती हैं आपको। चलिए क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। देखिए आपका जो खाप है ना, जैसा कि ये देखिए जस्टिस का भी कार्ड आया है, मैंने कहा कि आपने जो दुआएं प्रार्थनाएं की है ना वो सब अब कंप्लीट होने वाली है। और वो जिसका इंतज़ार था ना आपको अपने पार्टनर का कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें, आपको मिस नहीं कर रहे हैं, तो अब ना वो आपसे बात करेंगे, आपके पास आएंगे, आपकी सारी दुआएं जो है ना वो भगवान सुन रहे हैं। और एंजल्स भी यही मैसेज देना चाहती हैं कि आपकी दुआएं सुनी जा रही हैं, ठीक है ना, और आपकी ना वो बहुत ही नज़दीक है। आप जो भी दुआएं मांग रहे हैं ना उसके उसको पूरा होने में ना अब ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही नज़दीक है वो टाइम, ठीक है ना। तो चलिए हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। ये मैसेजेस हैं, थोड़े से मैं और निकाल लेती हूँ। चलिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं देख लेते हैं, इतने सारे मैसेजेस हैं, देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। वेरी सून, बहुत जल्द,
आ रहे हैं, देखिए कार्ड्स आ गए। और जैसा कि ये भी कार्ड आया ना, वेरी क्लोज टू यू, वेरी सून, तो देख लीजिए। उसके बाद है, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, ये जो है ना सॉन्ग, यू प्लस मी टुगेदर, वो साथ चाहते हैं आपका, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, ये सॉन्ग है। और माई हार्ट इज फुल, सॉरी, माई हार्ट इज ओपन एंड फिल्ड विथ लव, ओके, यू हैव माई हार्ट, कीप इट सेफ, आपके पास उनका दिल है, संभाल के रखिए। मैसेज में मैंने कहा ना कि वो बस बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई उन्हें कुछ मिले। देखिए मैसेज भी आ गया, द गुड थिंग्स इन लाइफ आर बेटर विथ यू, सब आपके साथ अच्छा है, ठीक है ना, उनकी जिंदगी, द परफेक्ट प्लेस फॉर अस इज टुगेदर, साथ रहने में वो खुश हैं, आपके साथ उनकी जगह ना सही है। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, ये जो है ना सॉन्ग, आई वॉन्ट टू किस यू, ओ माई गॉड, किस करना चाहते आपको, टू मी यू आर परफेक्ट। उसके बाद है, यू नीड टू नो हाउ मच आई लव यू। उसके बाद है सैड, सैड है, मैंने कहा ना, सो देखिए कितनी अच्छी एनर्जीज आई हैं आपके लिए, पाइल नंबर टू के लिए। सो गाइस, जिनके साथ रेजोनेट करती है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। सो हेलो पाइल नंबर थ्री, जिन्होंने द एम्परर का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं, याद करते हैं या नहीं, देखते हैं इस यूनिवर्स गाइड में। और पाइल नंबर थ्री, जिन्होंने पाइल नंबर थ्री चूज़ किया है, क्या उनके पार्टनर उनको मिस करते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज। चलिए हम कार्ड्स को निकालते हैं अब। सो देखिए पहले ही कार्ड बता रहा है कि जो है ना बॉटम ऑफ द डेक, वही बता रहा है कि बहुत मिस करते हैं वो आपको। देखिए कार्ड्स की एनर्जी देखते हैं, टेम्परेंस, ओके, स्ट्रेंथ, ओके, द हर्मिट, ओके, नाइट ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड। सो पाइल नंबर थ्री, जिन्होंने चूज किया है, उनके पार्टनर की एनर्जी मैं बताऊं, मिस करते हैं या नहीं, तो जी हाँ मिस करते हैं, जैसा कि मैंने ये कार्ड भी दे करके बताया, बॉटम ऑफ द डेक की मिस करते हैं, ठीक है ना। अकेले में रहते होंगे, काफ़ी याद आती है आपकी उन्हें, ठीक है ना। और अभी जो है ना आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, द हर्मिट का कार्ड मुझे क्लियर बता रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, और आपके पार्टनर काफ़ी सैड हैं, ठीक है, काफ़ी सैड, खुद को अभी हील कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है ना कि मैं अभी नहीं एक्शन लूंगा, मैं थोड़ा अभी अकेला रहूंगा। सो ये है ना एनर्जी मुझे उनकी दिख रही है, प्यार करते हैं आपसे, ठीक है ना, प्यार करते हैं, और बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग भी है आपके लिए उनकी, ठीक है ना,
और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, मिस करते हैं और अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं आपके लिए, काफी अट्रैक्टिव। आप खूबसूरत होंगी, ठीक है ना, या होंगे हैंडसम स्मार्ट, ठीक है ना। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, और आपसे ना वो आपको बहुत मिस करते हैं और आपसे शादी भी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए, और जो भी है ना आप लोगों में एक बैलेंस जो है ना वो बनाना चाहते हैं। अगर आप लोगों में बैलेंस नहीं है ना, किसी कारण से आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं, अब ना वो आप मतलब वो ना आपको समझना चाहते हैं एकदम, और डीपली समझना चाहते हैं। पहले समझते हैं लेकिन जो है ना, और अब समझना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स जो है ना और आपके लिए ना इंटरेस्टिंग होती जा रही है, मतलब उन्हें लग रहा है ना कि यार अब मैं नहीं रह सकता इस पर्सन के बिना, मतलब अट्रैक्शन फील होता है। मिस तो कर रहे हैं आपको, और आपकी पिक्स भी देखते होंगे वो, ठीक है ना। सो आपकी पिक्स देखते हैं, देखती हैं, और आपके पिक्स को देख करके ना वो काफ़ी मतलब होता है ना एक चेहरे पे खुशी, वो खुशी आ जाती है उनके चेहरे पे, और काफ़ी अट्रैक्शन फील होता है। मतलब मन करता होगा ना कि मैं अभी कॉल करता हूँ, मैं मुझे अभी बात करनी है। ये जो है ना, ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, और आपसे वो शादी करना चाहते हैं। ये दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ भी कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, यहाँ भी मुझे मतलब शादी के लिए कार्ड्स यहाँ पे मुझे बता रहे हैं, आपसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं आपसे, आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं। अगर प्रपोज नहीं किया है ना, अब आपको प्रपोज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आए आपके पास, वो आपसे बातें करें, खुल के बातें करें। जो भी क्लियरिटी नहीं थी आप लोगों के रिलेशनशिप में ना, वो अब क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है ना। और मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं आपके लिए। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे यही बताता है, अट्रैक्शन फील होता है उन्हें, काफ़ी खूबसूरत लगती हैं आप उन्हें, और हर चीज़ों को कंट्रोल कर लेना, आपके बाएं हाथ का ऐसे ऐसे है एकदम कंट्रोल कर लेना। ये है ना आपकी एनर्जी जो है ना यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि मतलब कितनी टैलेंटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा ये करते हैं, आपको पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं हर चीज़ में, आपको ना वो बैलेंस पाते हैं कि आप हर चीज़ में बैलेंस हैं। इमोशंस कहाँ है रखने हैं, कहाँ लॉजिक लगाना है, कहाँ क्या लगाना है, वो सब आपको पता है, ठीक है ना। ये मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आपके पार्टनर इसी वजह से ना और ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्टिव हैं। आपकी खूबसूरती, आपके अंदर जो भी है ना, एक चेहरे की खूबसूरती खूबसूरती नहीं होती, मन का भी सुंदर होना जरूरी होता है, ठीक है ना। वो है ना सुंदरता आपकी, वो उन्हें भा जाती है। और ये है ना, आप दोनों की जब लड़ाई होती होगी, जब आप दोनों बात ही नहीं करते होंगे, इनको बेचैनी जरूर होती है। देखिए द हर्मिट का कार्ड, अभी भी आप लोग सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टेक्ट में हैं। ये मुझे दिखा रहा है ना कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, आपकी यादें, आप बस, और कोई नहीं, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग आई है ये पाइल नंबर 3 के लिए। ऐसे तो तीनों ही पाइल्स के लिए अच्छी रीडिंग आई है, लेकिन आपके लिए जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छी पॉजिटिव रीडिंग आई है आप लोगों की। देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देना चाहती हैं। ये रीडिंग शॉर्ट ही है, कोई लंबी नहीं है। चलिए देखते हैं। मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है ना कि क्या आपको मिस करते हैं, तो हाँ आपको मिस करते हैं। द हर्मिट का कार्ड, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है ना, 4 ऑफ कप्स का कार्ड, ये मुझे क्लियरली बता रहा है कि बहुत मिस करते हैं, और आगे आपके लिए स्टेप भी लेना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इनको आने में, ठीक है ना। तो जल्दी ही आना चाहते हैं, वो जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं। कोई ना कोई इनकी बेचैनी जो है ना आपसे मिलने के लिए है। हो सकता है आप लोग दोनों डिस्टेंस पे रहते होंगे। ये कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देना चाहती हैं आपको। एंजल्स क्या मैसेज है 5-3 के लिए। चलिए मैं कार्ड्स को निकाल लेती हूँ। चलिए सर्विस,
सो जिसकी जरूर आप जिनको आपकी ज़रूरत है ना, उन्हें आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कीजिए, ठीक है ना। खुले दिल से उन्हें सपोर्ट कीजिए, उनको वो सर्विस दीजिए जो जिन जिनको मतलब ज़रूरत है आपकी, ठीक है ना। सो आपकी ज़रूरत भगवान पूरा करेंगे, एंजल्स पूरा करेंगे। सो देख लेते हैं ये पाइल सॉरी पाइल 3 के लिए उनके पार्टनर के कुछ मैसेजेस, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको वो। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। और पाइल 3 फेस इनवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ज़्यादा हो गए बस इतने, हाँ बस। देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। यू मिस मी, क्या वो आप उन्हें याद करते हैं या करती हैं, पूछना चाहते हैं। उसके बाद है सो सो लकी टू हैव यू, ओ माय गॉड। फिर है तेरा बन जाऊंगा, जो सॉन्ग है ना, मैं तेरा बने जाऊंगा, यू नीड टू नो हाउ मच आई लव यू। उसके बाद है यू हेयर माई लेडी माई क्वीन माई लाइफ माई एवरीथिंग। उसके बाद है द गुड थिंग्स इन लाइफ आर बेटर विथ यू, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। ओके, मैं रंग शरबतों का जो सॉन्ग है ना वो गाते होंगे आपके लिए। यू प्लस मी टुगेदर, आपका साथ चाहिए उन्हें। आई लव यू अनकंडीशनली, वाओ। आई नीड यू, देयर इज सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ, किस 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 किस। ओके, यू आर माई, आप उनकी हैं या उनके हैं, आई एम सॉरी। ओके, और देख लेते हैं क्या है। दिस लव इज फॉरएवर, ये जो है ना प्यार हमेशा के लिए है। आई रिमेम्बर एवरी डिटेल्स ऑफ दैट डे। सो ये रहे हैं आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस आपके लिए। ये रही पाइल 3 की रीडिंग, जिनके साथ रेजोनेट करती है प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।